टूरिंग से डर नहीं लगता साहब, इन मिट्टी और खड्डों से डर लगता है। पहले ये पानी का जायजा लेंगे, फिर इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। वो एक गाड़ी बड़ी खतरनाक तरीके से नीचे लगी है, खड्डे हैं और धूल मिट्टी देखे, वो देखे उड़ा ही जा रहे हैं। भाई साहब उधर लो तो शैन। शैन भाई। शैन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल पेशा बाय आतिफ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिन के हो रहे हैं 2:45। शायान बाबू से ही पूछा, उसने कहा था रुकते हैं, फिर मैंने कहा नहीं रुकते, फिर दोनों आपस में डिसाइड किया कि यार चला जाए। तो अब प्लान ये है कि बाइक हमारी तैयार है, वहाँ पर थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी, फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये रही बाइक्स, सामने खड़ी हैं रेस्टिंग पोजिशन में। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर हमने बहुत अच्छा किया है बाबूसर टॉप से नारान तक। अजीब सी बात नहीं हो गई है, मैं अपने साथ सारा शेविंग फोम एवरीथिंग रेजर सब कुछ, लेकिन मैंने शेव नहीं की। बस क्या करें, एक फौजी की तरह लाइफ है, तो उसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन पर इतना प्राप्त नहीं जा सकते। एनीवेज आपको बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा भी लगता है, लोग गाड़ियों में से या कहीं पर बैठ के छुप छुप के देख रहे होते हैं। जब मैं ब्लॉक कर रहा होता हूँ राइट नाउ ही चल रहा है जो सामने गाड़ियों में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नारान, बल्कि वेलकम टू बाबू सर, आप जा रहे हैं। आइए, आप लोगों ने देखा जी। तो बस प्लान ये यार, हॉर्न मेरे पट से गए, मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक एटमॉस्फेयर बड़ा सख्त है, लेकिन इस किस्म की वाली ग्रीनरी आप देखें, इतनी खूबसूरती, तो इसके सामने यार इनको देख के ना सफरी थकावट ख़त्म ही हो जाती है। तो इनके सामने ये छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी देख सकते हैं, ये पानी यहाँ से उठता हुआ और पीछे बड़ा दूर जाके गिरता है। तो लिटरली ये है एक सर्विस स्टेशन, लेकिन ये नेचुरल है, चश्मे वाला पानी है। शायद यहाँ पे थोड़ा सा कोई प्रेशर वाला सिस्टम लगे हुआ है, तो पानी खासा दूर जा रहा है, तो इससे आप गाड़ी अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। शायान बाबू, अरे ओ शायान, सुन रहे हो? हाँ भाई, तुमने तो कहा था मैंने सिर्फ पाँव रखने पानी में, तुम तो नहाने लगे हो, चलो उठो। भाई साहब लोग ना पीछे बैठे हुए ये कश्तियों वाला काम करते हैं, यानी कश्ती रानी, वो नारान में जो राफ्टिंग रहती है ना, वो काम करते हैं। तो खाना खा रहे हैं मज़े का, यार हमारा भी खाने का प्लान है, लेकिन राइड शुरू करनी है, आगे जाके कहीं पे फिर हम खाना खाएंगे। शायान बाबू का वेट कर रहा हूँ, उठ के आ जाए उधर बाइक के पास, सामान बहुत पड़ा है, कैमरा शैमरा सब कुछ। कहवा पेशावरी, पेशावरी कहवा, पेशावरी कहवा है, और बेहतरीन कहवा बना है। उसमें पेशावर का क्या होता है? इसमें हम इलायची डाल दें, अदरक डाल दें। अच्छा, डाल दे, लेकिन बेहतरीन कहवा बना के। मैं खुद ही पेशावर से आया हूँ। नहीं भी पेशावर का हूँ। अरे कहाँ के हो भाई साहब? जी यहाँ पे मतलब नरा में कहवा बेचते। नहीं पेशावर में कहाँ के हो ये पूछ रहा हूँ। हैदराबाद का। अरे बाबा हैदराबाद? जी जी। कौन से फेज में हो बाबा जी? कौन से फेज में हैदराबाद में? हैदराबाद में मतलब हम रहने हो रहे हैं, हम ज्यादा वक्त वहाँ भी नहीं गुजारे, इधर मंसरी में वक्त। हाँ ये भाई साहब अपने पेशावर ही मिल गए। किस्मत में मैंने कहवा लेके आए। क्या बात है यार, क्या बात करते हो, पीते हैं कावा भी। लेकिन वो मेरा भांजा ना शायान बाबू, अच्छा। वो पानी में बैठा हुआ है। अच्छा। उसका आवाज तो कहो शायान। अच्छा। तो शायान, शायान भाई, शायान, हाँ उसको कहो आ जाओ शायान भाई, इधर आ जाओ। चलो आ जाओ। ये आ गए हैं शायान बाबू, पानी में खूब नहा धो के, बल्कि उसने पाँव भिगोए शूज के साथ, शूज के बगैर। यार वो काम तो हम सारा रास्ता वो झरनों में करते हैं, बाइक पानी से गुजारते हैं, पाँव गीले ठंडे जुराबों के साथ, सारा काम तो हमने रास्ते में किया, फिर क्या जरूरत दी जाएगी। बैठना भी है ना यहाँ पे। अच्छा बैठे हो, तो बाइक पे भी तो बैठे होते हो ना? नहीं वो चलते हैं। यार इधर जरा चेक करो मेरे ये गर्दन पे ना बड़ी जलन हो रही है, क्या है, सन बर्न हो गया क्या है? इधर कुछ है? कुछ भी नहीं है, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे सन बर्न हो गया। चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप किसी से मिलते हो और वो आपसे दोबारा मिल जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो अपना नाम बताएं सर? अवैस भाई। हुआ कुछ ऐसे कि जब हम बेसल और बेसर, इसको दो नाम कहते हैं, बेसर ऑफिशियली बेसल, वहाँ पे रात को ये लोग फैमिली के साथ एमरजेंसी मतलब पहुँचे, जल्दी में थे, वहाँ पे पहुँचे, रूम्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो इनकी फिर हमारे बिल्कुल साइड में कैंपिंग हुई और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके, तो अपना शॉर्ट सा तारुफ करवा दें। मेरा नाम अवैस है, मैं इस्लामाबाद से। रात को हम लोग भाई से मिले, तो रात को हम लोगों ने थोड़ी बहुत गपशप लगाई है, निकलते वक्त हम दोनों मिले और अब दोबारा हम दिन के टाइम हम दोबारा फिर मिले। और ये भी बाबू सर हो आए, हम भी बाबू सर हो आए, यहाँ पे नारायण में ये लोग पहुँचे हैं, हम भी पहुँचे हैं,
अब ये लोग करने ये जा रहे हैं राफ्टिंग और हम अपनी बाइक के ऊपर राइडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारान की अपनी एक खुशबू है तो बिल्कुल ये ऐसा ही है, और ये कुछ थोड़े से ही फासले से ये खुशबू आना शुरू हो जाती है और लोगों की ये रौनक और ये हलचल देखें। डिसाइड ये किया कि यार निकल रहे हैं नारान से, तो क्यों ना ये नारान बाज़ार से होकर जाया जाए। लेकिन ये रानियां मेरे सामने से हटे ना, ये इन जीप्स की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से नारान का सीज़न बहुत बेहतर रहता है। इसकी सड़कें तो ख़राब हैं, एक बैड पैचेस हैं, कोई 40-50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नारान, लेकिन फिर भी सयाह हैं, वो आते रहते हैं। सियाहत है और सयाहों का प्यार है नारान से, जो लोग आते रहते हैं, नहीं तो इतनी ख़राब सड़कों के पीछे कोई नहीं आता। शायान बाबू कह रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा सा पेट्रोल डलवाना है और आगे PSO पंप हमें मिल जाएगा, तो शायान थोड़ा फ्यूल अप करवा लेंगे। चलो करते हैं करते हैं। शायन कह रहा है मुझे ड्रेस चेंज करना है। मैंने कहा चलो आओ, अपना भाई साहब है उसके पास जाते हैं और वहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग कर लोगे। बाय बाय नारान, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी ने वफा की। तो सोचा साथ में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊँ। नारान बाज़ार में दो जगह आपको PSO के पंप मिल जाते हैं, एक तो ये बाज़ार है इस साइड पे, और एक जो दूसरी वाली सड़क है नारान बाज़ार की, जो बाज़ार नहीं है, ज़्यादातर उधर मैकेनिक्स वाले काम होते हैं, लेकिन अब वो होटल वहाँ पे बन गए, तो वहाँ पे भी आप लोगों को एक पेट्रोल पम्प मिल जाएगा। ब्लॉक के चक्कर में ट्रैफिक में फंस गए यार, उधर से जीप्स आ रही हैं, गाड़ियाँ हैं, और एक जीप पर बड़ा अच्छा देखने को मिला और उस पर लिखा था कि Life is a journey from Allah to Allah. क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, क्या हाल हैं? ठीक हैं। हम आ गए वापस, जा रहे हैं अभी। वापस जा रहे हैं एबटाबाद और पेशावर। हाँ नहीं नहीं, बस अब टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, पहुँचना है जल्दी से एबटाबाद। और इंशाल्लाह आपकी ये जो सड़क है ना ख़राब वाली, इसके ऊपर अभी मैं बात करता हूँ, ये मैं इस पर एक्शन करूँगा अभी। तो बस वापसी है, सोचा रुकूँ आपसे सलाम हो जाए। ठीक है, दुआ में याद रखना। मैं इंशाल्लाह आपको ना कॉल करूँगा, कांटेक्ट करूँ, कभी आओ पेशावर मेरे पास आना। चलो अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया नारान, बहुत सारी यादें समेट के लेकर जा रहा हूँ। बहुत घूमे फिरे, इंजॉय किया, खाया पिया, यकीन करें सारा टूर बहुत ही ज़बरदस्त। और आखिर में एक बच्ची ने मेहमान नवाजी का एक सबूत दिया, और वो ये कि एक ग्लेशियर से थोड़ी सी बर्फ़ तोड़ के मुझे कहा कि आप बर्फ़ खाएंगे, मैंने कहा शुक्रिया। तो आखिर में ये गिफ्ट भी, बहुत बहुत शुक्रिया नारान। ये है बटल का ब्रिज, जिसको अभी मतलब लोहे का बना दिया गया, लेकिन हर वक्त ये गिरा होता था, ऊपर से सैलाबी पानी आता था और इस ब्रिज को बहा ले जाता था। अभी ठीक है, बेहतर हो गया, लेकिन रोड की कंडीशन बड़ी ख़राब है। लोकल इंतज़ामिया, सरकार हो जो भी हो, अगर ये सड़क सही हो जाए खनिया से या कागान वाला जो सेक्टर वहाँ से नारान तक, तो यकीन करें जो सयाह हैं उनके लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। पहले ये पानी का जायज़ा लेंगे, फिर इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें खड्डे कहाँ कहाँ होते हैं, कहीं कहीं पे पत्थर होते हैं, तो वो देखेंगे और तब क्रॉस करेंगे। वो एक गाड़ी बड़ी ख़तरनाक तरीके से नीचे लगी है जनाब, ये डैम वाला ख़राब पैच है। और कल मेरी कुछ लोकल से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि रोड का क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि यार अगर डैम वालों ने बना दिया तो शायद उनकी मेहरबानी होगी, लेकिन ऐसे क्या कहें इसके, कभी किसके पास जाते हैं कभी किसके पास, ताकि ये रोड ठीक हो जाए, लेकिन ये रोड ठीक नहीं हो रही। जब पिछली बार मैं आया था बड़ी हालत इसकी ख़राब थी, कुछ कुछ जगह उससे थोड़ी ठीक की है, मतलब वही लोकली उसको ठीक किया है, ऐसा नहीं है कि कारपेटेड हुआ है, और कुछ कुछ जगह उससे भी ज़्यादा ख़राब हुई है। ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो वो और भी ख़राब होगी।
चलाओ चलाओ भाई साहब, और मिट्टी में चलाओ, और धूल उड़ाओ और मिट्टी उड़ाओ। ऐसे तेज फॉर्चूनर भगा रहे हैं, तीन हैं, और हम यहाँ पे ना खड्डों में फंसे हुए हैं और ये गर्द में फंसे हुए हैं। और भाई साहब लोग वो देखें, भगाई जा रहे हैं, क्या बात है, हम रॉन्ग रूट लेते हैं अब। लेकिन क्या करें यार, खड्डे हैं और धूल मिट्टी देखें, वो देखें उड़ाई जा रहे हैं। ये अपना डैम का पैच है। टूरिंग से डर नहीं लगता साहब, इन मिट्टी और खड्डों से डर लगता है। वो बड़ी गाड़ियों वाले ना, जो दौड़ाई जा रहे थे, धूल और मिट्टी उड़ा रहे थे, हुआ कुछ ऐसे कि वो फंस गए ट्रैफिक में, और हम साइड और साइड से निकल आए, वो लोग फंसे हुए पीछे, दोनों साइड की ट्रैफिक ब्लॉक है बिल्कुल। ये देखे गाइस, ये हरोला रप्पा, ओए होए होए होए, पीछे तो कुछ गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा सकती थी, धक्के दे रहे थे लोग उसको, बल्कि 4 से 5 गाड़ियाँ थी, वो नहीं जा सकती थी, तो लोग उसको धक्के दे रहे थे, और ये कोई ट्रैफिक जाम से निकल आए हैं। और ये एक और बड़ा गलत काम, ये जो लेन से बाहर आ जाते हैं ना, 4 से 5 मिनट बचाने के चक्कर में दूसरों को जलील और ख्वार करते हैं, ये बड़ा गलत काम होता है। अपने ही लेन में रहें, इंतज़ार करें, ट्रैफिक निकल जाएगी। अब जिस तरह ये साहब आ रहे हैं, इनको बहुत बड़ी जल्दी है, पता नहीं क्या इनकी इमरजेंसी लगी हुई है। भाई साहब उधर लो, पता नहीं इनकी क्या इमरजेंसी लगी रहती है। ये देखें, लेन क्यों छोड़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। एक बहुत ही बुरे और गंदे पैच का खात्मा हुआ, अब थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन मुझे इतनी तवक्का फिर है कि आगे भी इस तरह की ख़राब रोड मिलेगी। जब तक नारान से मैं निकला हूँ, उसके 60 किलोमीटर नहीं हो जाते, रोड ने ठीक नहीं होना, यानी खनिया तक ऑलमोस्ट आपको रोड की यही हालत मिलनी है, लेकिन फिर कुछ बेहतर हो जाती है कागान के पैच के बाद। शायान बेचारे का बिस्तर नहीं संभल रहा, कभी एक साइड पे चला जाता है, कभी दूसरे साइड पे, अभी वो रुक गया और उसको ठीक करने के लिए। अब इस सड़क को देखा जाए तो यार, इसकी जो कंडीशन है, हमारी बाइक सलामत है, इसके नट बोल्ट सही हैं, नहीं तो हमें तो सही कस के रख दिया, कुछ कुछ पेच हमारे भी डीले कर दिए हैं सड़क ने। इस ख़राब कमबख्त रोड ने ना मेरी हंसी बिल्कुल रोक दी थी यार, मुझे वो टेंशन में डाल दिया है कि यार ये क्या है। और जो ना मैं शायद से पूछ रहा था कि मेरी गर्दन में ना कुछ मुझे सोजश सी हो रही है, पता नहीं क्यों, तो ये मुझे आइडिया हो गया, जो मेरी जैकेट है उसका कॉलर है और मेरे बैकपैक का जो बेल्ट है वो मेरी गर्दन के ऊपर बार बार लग रहा है, तो घिसने के साथ वो मुझे वहाँ पे थोड़ा रैश वगैरह हो गया और इन्फ्लेमेशन सी है, तो अब पता चला कि मसला क्या है। यार ये रोड भी कबूल है, ठीक है, ऐसे भी हो तो भी ठीक है, चलेगा, हम नारान महीने में एक बार ज़रूर आएंगे। मैंने सोचा जज्बाती हो के ऐसे कहीं ना बोल दो कि 5 बार आएंगे। भाई साहब क्या बात है, कहाँ से सीखे, वाह क्या बात है, कैसे उड़ा के जा रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि ये भाई साहब की अपनी गाड़ी नहीं है, किसी की होगी ये, जिस तरह चला रहा है। नीली की क्या हालत हो रखी है देखे, कीचड़ ही कीचड़, धूलम ही धूल। इसके बाद जब ये सर्विस होगी ना सही वॉश होके, क्या मज़े की दिखेगी। शान बाबू का जो पीछे लगेज है वो ढीला पड़ गया, टाइट कर रहा है, और ये दरिया कोनहार सीधा हमारे साथ चलता हुआ ऑल द वे। बहुत ही खूबसूरत, और वो ऊपर बिल्कुल वो सूरज के नीचे चोटी, और थोड़ा सा नीचे आके कुछ घर दिख रहे हैं, लेकिन सूरज की किरणें बहुत तेज़ हैं। बिफोर और अब आफ्टर, पता है कैसी धुल गई है, सही, वैसे मट्टी वट्टी तो लगी है लेकिन धुल सही गई है, और वो कुदरती पानी वहाँ से चीनने वाला आता हुआ और इन पाइप्स में से होता हुआ, अब शायन बाबू अपनी बाइक वहाँ पे धो रहे हैं। मैंने तो खूब पानी चलाया इस पर, ख़ासकर नीचे के एरिया बहुत मिट्टी कीचड़ लगी थी, और ये इंजन एरिया में यहाँ पे तो काफ़ी कीचड़ से उड़ा दिया, बस घर पहुँच के फिर उसको सर्विस कर लूँगा सही। नारान कागान वैली में बाइक की वाश हो गई, वो भी फ्री वाली। सर्विस स्टेशन था, वो लोग अपने ही थे, ऐसे उनको मैंने कहा पैसे वैसे, उन्होंने कहा यार आपने कुदरत की जो देन है वो इस्तेमाल की है, आप जा सकते हैं।